हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का दिन हर मंथ में ऐसा दिन होता है कि जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आने वाले मंथ में कौन से फ़ोन आने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल मंथ में कौन से फ़ोन आने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ एंड सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले सैमसंग की बात करें तो इसी मंथ के एंड में मीन्स 30 तारीख ऑफ मार्च के दिन वो एक और फ़ोन लेकर आने वाला है, जो कि है सैमसंग S20 FE फैन एडिशन, जो कि 5G फोन होने वाला है एंड क्वालकॉम प्रोसेसर बेस्ड फोन होने वाला है। बट अप्रैल में सैमसंग M42 या तो F42, इसमें से कोई एक फोन लेकर आने वाला है। नाम क्या है वो तो पता नहीं है, बट डेफिनेटली अप्रैल में सैमसंग की ओर से फोन मिलने वाले हैं। आईक्यू की बात करें तो आईक्यू भी 2 या 3 फोन लेकर आ सकता है। 7 या 8 महीने के बाद आईक्यू की ओर से हमें एक फोन मिलने वाला है, जो कि होने वाला है IQ 7 एंड जिसकी प्राइस होने वाली है 40,000 से नीचे। 5G फोन होने वाला है, स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड प्रोसेसर वाला फोन होने वाला है एंड ये फोन मिड अप्रैल तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। एक और फ़ोन आईक्यू की ओर से आने वाला है जिसका नाम रखा गया है Z3 या तो Z3। मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन अप्रैल के एंड में या तो स्टार्ट ऑफ में आ जाएगा। तो आईक्यू की ओर से अप्रैल में 2 फोन आने वाले हैं। रियलमी की बात करें तो रियलमी की ओर से डेफिनेटली रियलमी GT इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड मिड अप्रैल तक ये इंडिया में आ जाएगा। साथ ही साथ चाइना में रियलमी की ओर से रियलमी GT नियो भी लॉन्च होने वाला है। तो चाइना में लॉन्च हो जाएगा तो मान के चले एंड कैलकुलेशन के हिसाब से एंड ऑफ द अप्रैल रियलमी GT नियो भी इंडिया में आ सकता है। वीवो की बात करें तो वीवो की ओर से भी एक सीरीज आने वाली है, जो कि है वीवो V21। वैसे वी सीरीज वीवो में बहुत ही पॉपुलर है एंड वीवो की ये सीरीज 5G सीरीज होने वाली है। वैसे वीवो की ओर से अप्रैल में एक और फ़ोन आने वाला है, शायद उसका नाम Y52 या तो Y72 होने वाला है, कन्फर्मेशन नहीं है। एक फ़ोन वीवो की ओर से Y सीरीज में आ रहा है। ओप्पो की बात करें तो ओप्पो की ओर से फाइंड X3 सीरीज आ रही है, स्नैपड्रैगन 888 बेस्ड प्रोसेसर वाली सीरीज होने वाली है, उसके कैमराज बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो मिड अप्रैल में ओप्पो की ओर से फाइंड X3 सीरीज डेफिनेटली आ रही है। MI की बात करें तो MI की ओर से आने वाला MI 11 का ग्लोबल लॉन्च हो गया, जो कि कल 29 मार्च को वो हो गया है। तो इंडिया में अगर हम मान के चले तो मिड अप्रैल या तो एंड ऑफ अप्रैल तक ये MI 11 आ सकता है। MI 11 में 3 डिफरेंट टाइप्स के फ़ोन होने वाले हैं, MI 11, लाइट, अल्ट्रा एंड प्रो। तो फ्रेंड्स, मार्च की कंपटीशन में अप्रैल में कम फोन लॉन्च होने वाले हैं, बट मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन दे दी। क्योंकि अगर आपका कोई फैमिली या तो फ्रेंड अप्रैल में फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो उनके साथ शेयर करना है, जिससे उसकी चॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।